कहीं हमने सिक्योर किया हुआ है, दिख रहे थे पे यार सिक्योर किया हुआ है गाइस, ऐसे कोई नहीं आ सकता। क्या एप्पल भी, एप्पल भी यहाँ से मिला। दोस्तों तो आज हम आए हैं एक बहुत ही मज़ेदार आर्टिस्ट के घर पे, वो लिखते भी हैं पंजाबी में एंड ऑल्सो उनकी किताबें देख सकते हैं आप यहाँ पे, और वो पेंट भी करते हैं। ये पिक्चर्स देखिए कितनी खूबसूरत है, सो मेस्मराइजिंग। लुक एट दीज ब्यूटीफुल ब्राउन गर्ल्स, ये उनका स्टूडियो है, उन्होंने कहा कि आप देख सकते हैं, बहुत बढ़िया लग गया, डिफरेंट वाइब है। वो फिलहाल हमारे लिए चाय बना रहे हैं और हम उनके लिए समोसे लेके आए हैं, चाय पियेंगे उनके साथ, उनकी बातें सुनेंगे। मेरा नाम है दीपा बलवंत। ओह ये उनकी पिक्चर है, देयर इज आई थिंक ये उनकी पोइम है, ये बहुत ही मज़ेदार लगी मुझे, मैंने पढ़ी है। वो देखो कितनी सोनी लिखी है, जितना तू छोटी लेते हैं अपनी खाई क्या मेरी ये कलम। सलमान चैन पॉइंट जरा नदियो मेरी धीओ भैनो। मैं त्रेड़ दे विच उत्थे एडमिशन लई थर्ड दे पास कीता, थोड़ी देर एक कॉलेज पढ़ाया, फिर मैं इधर जॉब करना आया जी, उधर लुधियाना इतने जॉब करना है जी, फिर अपने शांत शहर ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਤਨਖਾਹ ਹੀ ਦੇਣੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਹੁੰਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੁੰਦਾ ਲੁਧਿਆਣਾ इनके ना घर का गार्डन बहुत खूबसूरत है, मैक्सिको जैसी वाइब, मैक्सिको जैसी वाइब आ रही है, बड़े बड़े पेड़ एंड उनकी कर्म भूमि है, और उन्होंने अपने घर के ऊपर लिखा भी हुआ है कर्म भूमि, और उन्होंने मुझे ये बुक दी है एंड इसमें बहुत ही प्यारी पोइम्स हैं एंड देयर ही इज। कहना क्यों नहीं मानते,
ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ ਆ, ਠੀਕ ਆ दोस्तों, कैसे हाल चाल है? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम जा रहे हैं मेरी मम के घर, पता नहीं चौथी बार तीजी बार, और यहाँ पे हमें दिखा है संतरों का बाग। ओके गाइस, तो हस्बैंड देखना चाहते हैं बॉम्बे पिकनिक स्पॉट, क्योंकि अरे मैं बचपन में एक ना पिकनिक में यहाँ पे आया था, पर वो आई थिंक 5:30 बंद हो जाता है, और मुझे लगता है कि वो पहला भी मिला ही सानू इधर बहुत ਚਲੋ ਯਾਰ ਐਵੇਂ ਹੈ ਨਾ, ਖਰੇਂਡੂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਬੇਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ। ਉੱਪਰੋਂ ਇੱਕ ਟੋਲਾ ਆਣ ਡਿਆ ਮੰਗੀਆਂ ਦਾ। ਬੀਬੀ ਕਿਹਾ ਗੱਡੀ ਜੋ। ਬਾਉ ਬਾਉ ਵੇਟ। ਓਹ ਹੋ ਉੱਧਰ ਆਣ ਡਿਆ। ਉੱਪਰੋਂ ਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਟੋਲਾ ਆਣ ਡਿਆ 5-10 ਸਾਲ ਦੇ ਇਕੱਠੇ। चलो जी, अब संतरे बाहर लेते हुए खाते हो गए ना? कोई नहीं, ये बाहर का है। हाँ जी, अब बाहर संतरे खाते हो ना? हाँ जी। ये खा के देखो, आपने ठेका लिया हुआ बाहर का? हाँ जी, ठेका लिया। That's so sweet। हमारा गांव भी हमारा गांव हिंदी हमारा गांव भी तो हम लोग आए हैं मेरे गाँव यहाँ पे मोड़ पे, क्या संतरे का बाग है ना, तो ये लोग फ्रेश संतरे का जूस निकाल के देते हैं, और इनके पास ग्रेप फ्रूट भी है। My husband actually grapefruit food for me. Grapefruit? Oh yeah! I remember one time you were eating it. Yeah. It's blood. He loves it. It's blood.
तूफान चुके लास्ट टाइम हमने देखा था बहुत रश थी गर्म guys we're going to see this friend तो हम लोग आ गए हस्बैंड के कॉलेज और ना पति भी कंटिन्यू बर्थडे मना लो केक मिलूगा ओके दोस्तों तो हम लोग अब जाने वाले हैं एक ढाबे पे जो कि मेरे हस्बैंड का गो टू ढाबा हुआ करता था जब उसे पार्टी करनी थी फन करना चिल करना था सो जब यहाँ पे पढ़ते थे ना तो ये उनका क्लासिक पार्टी प्लेस था और इसका नाम है दीपक ढाबा और इस जगह का नाम है तनौला सो यस देखते हैं कि कैसा फूड होता है ये हमारा कॉलेज के टाइम का ढाबा अभी तो ये बहुत तरक्की कर गया महल बन गया कमर्शियल कर लिया एंड यस सो इस विजिट पर मैंने पंजाब की दूसरी साइड भी देख ली मालवा कभी नहीं आई हूँ मैं ओहो मेरी जवैन की पूरी चक्की अब मम्मा
दोस्तों, कैसे हाल चाल है? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। पीछे वाली मैस को इग्नोर करें, अच्छे काफ़ी ज़्यादा मैस मिली है कुछ बच्चों की, क्योंकि वो घर घर बना रहे हैं। लुक एट दिस दुपट्टा, ये मैंने कल ख़रीदा है। और आज मेरा सेकेंड लास्ट डे है, और आई थिंक अराउंड 2 हफ्ते से मैंने कुछ भी शूट नहीं किया है। जब से हम सिद्धू के घर से आए हैं, आई वॉज़ एंड फीलिंग कि मैं कुछ शूट करूँ, और मुझे पता भी नहीं है मैंने क्या क्या शूट किया है, क्योंकि मैं कुछ अपलोड नहीं ना कर रही हूँ। पर जब आप ये ब्लॉग देखेंगे, तब तक मैंने बहुत सारी चीज़ें अपलोड कर दी होंगी, तो इसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करते हैं। सो सेकेंड लास्ट दिन है, और मुझे बहुत सारी चीज़ें ख़रीदने के लिए जाना है जो मैं मेरे साथ लेके जाने वाली हूँ, लाइक प्रिस्क्रिप्शन मेरी स्किन केयर का नहीं, जो मैंने स्किन डॉक्टर डर्मेटोलॉजिस्ट से ली थी दवाइयाँ, वो लूँगी मैं 45 डेज़ के लिए, उसने मुझे लिख के दिए हैं, क्योंकि स्कार्स को काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ गया था, तो मैं सोच रही हूँ कि वही ले लूँ। और एक उसने ना मुझे स्पॉट ट्रीटमेंट के लिए भी एक दवाई दी थी, वो भी बहुत अच्छी, उससे ना पिंपल पे लगाओ तो बैठ जाता है एंड स्किन जलती भी नहीं है, क्योंकि जब आप क्लीन एंड क्लियर का स्पॉट ट्रीटमेंट लगाते हैं, उस बैठ तो जाता है पर स्किन जल जाती है, काला काला हो जाता है, इससे वो नहीं हो रहा था। वो ले लूँगी मैं, और जो हिम्मत की स्किन प्रॉब्लम के लिए दवाई ली थी, उससे भी से आई थिंक दूसरे तीसरे दिन ही फ़र्क पड़ गया था, तो हिम्मत के लिए भी ले लूँगी मैं। और आलतू फालतू छोटी छोटी चीज़ें जो मुझे अच्छी लगती हैं यहाँ से ख़रीदनी। वैसे मुझे बहुत मज़ेदार मेरी शॉपिंग हुई नहीं है इस बार, क्योंकि मैं बाज़ार, मेरे साथ जाने के लिए कंपनी नहीं थी, और रोज़ रोज़ मेरी देवरानी के आने की वेट करते हैं, तो बहुत अंधेरा भी हो जाता है। सो बहुत मज़ेदार शॉपिंग नहीं हुई, पर या फिर भी मैंने कुछ 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 इकट्ठा कर लिया है, जो मैं आपको फ्यूचर में दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ हॉल। सो मुझे ना बालों में लगाने के लिए गजरे किस्म के चाहिए, कलियाँ वाले, रोज़ के, कुछ अच्छे क्वालिटी वाले, डिसेंट एलिगेंट काइंड के। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा चिलमिल सितारे और बहुत ही ज़्यादा ओवर द टॉप मिलते हैं, वो मुझे अच्छे नहीं लगते। सो आज मेरी कोशिश है कि वो मुझे मिल जाए गजरे, एंड प्रिस्क्रिप्शन लूँगी मैं, एंड अपने लिए कोई कुर्ता देख सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पर सर्दियाँ थी तो लोगों ने कहा कि गर्मियों वाला स्टफ़ है नहीं, फिर भी मैंने 2-4 चीज़ें ढूंढ ली। पर एक दुकान पर जहाँ से मैंने पहले अर्लियर सामान लिया था, उन्होंने कहा था कि हफ्ते बाद आ जाएगा हमारे पास स्टॉक, फिर गए थे उन्होंने कहा स्टॉक तो आ गया पर हमने खोला नहीं है, सो उस पर एक चक्कर लगा सकते हैं। एंड एक यहाँ पे ना एलर्जी वाला डॉक्टर, जिससे मेरी मदर इन लॉ दवाइयाँ लेती हैं, उनको भी एलर्जीज है फूड वाली, डस्ट वस्ट, तो उससे उन्हें फ़र्क पड़ जाता है। तो मैंने सोचा मैं मेरी एलर्जी की भी कोई मेडिकेशन ले लेती हूँ, क्योंकि मैंने मम्मी की एक दिन गोली खा ली थी, तो मेरी जो स्नीजिंग थी वो बंद हो गई थी, गुड। सो मैं भी ले लेती हूँ, क्योंकि वो स्पेशलिस्ट है। वैसे तो वो गवर्नमेंट डॉक्टर किसी दूर फार फार अवे हॉस्पिटल में काम करते, पर घर में भी वो लोगों को देख लेते हैं फ्री में। सो अगर सोचेंगे कि घर में आगे वो एक्स्ट्रा काम करता, नहीं वो बहुत अच्छा जेन्युइन डॉक्टर है, तो वो फ्री में चेक करते हैं। वहाँ से मुझे प्रिस्क्रिप्शन चाहिए मेरी एलर्जी के लिए। पर जाने से पहले हस्बैंड ने कहा कि मैंने चाह भी नहीं है यार, तो ये चाह पा दोगे प्लीज़। सो हस्बैंड ने कहा कि मैंने चाह भी नहीं है, मैं उनके लिए चाह बनाने लग गई हूँ। 6 बजे लगे ऑलरेडी, हम जाने वाले हैं। कोशिश करूँगी मैं बाज़ार की आपको ग्लिम्स दिखाऊँ, पर बाज़ार से शूट करना आसान नहीं है, इतनी ज़्यादा भीड़ होंगी ना बाज़ार से, तो इमेजिन नहीं कर सकते। आप गाड़ी में नहीं जा सकते हैं, आपको स्कूटी ही चाहिए, गाड़ी में जाओगे तो फंस जाओगे, ना पार्किंग मिलती है, ना ही आप इधर से उधर तक जा सकते हैं। हिंदुस्तान की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है दोस्तों, या फिर पॉपुलेशन इतनी है, गाड़ियाँ आप सबके पास हैं, तो फिर बाज़ार जाम हो गया, ट्रैफिक जाम होती है ऑल द टाइम। सो ऑटो ले, स्कूटी ले, या फिर वो ई रिक्शा चल रहे हैं ना आजकल, वो ले, या फिर साइकिल, या फिर रिक्शा, गड्डी गुड्डी में जाने की ज़्यादा ना वो मत करें, सो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। ओके सो मैं अपने लिए खरीदने वाली हूँ बिंदियाँ एंड आलतू फालतू एक्सेसरीज, जैसा मैं गजरा लेना चाहती हूँ वो है नहीं इनके पास, मैंने लिया है सुरमे नानी एंड सुरमा, तू ही ला लो कुछ मेरे वाले। और कोई लाइनर मस्कारा वगैरह भी ले लो, लाइनर मस्कारा तो बिल्कुल वो हैगा पुराने दा गोते लपेट दे अजकल। सो ये है मेरे रूम की हालत फ़िलहाल, मैंने कुछ कुछ पैक कर लिया है, कुछ मैं पैक करने वाली हूँ आज भी, मैंने मैं सोच रही हूँ एक बड़ा चंक पैक कर दूँ जो चीज़ें मुझे नहीं पहननी है। सिद्धू वेस।
से दूर बट डोंट फॉरगेट दोस्तों। आज मैं आपको एक गांव में लेके आई हूँ, यहाँ पे है खुली सरों। ओके गाइस, आपने पहले भी ब्लॉग में देख लिया ना, ये हमारा किचन गार्डन है। यहाँ पे हम सब्जियाँ उगाते हैं जो हम घर में खा सकते हैं, आलू, साग, गाजर, गोभी, ब्रोकली, पपीते भी आएंगे अब, शलगम, लेमन, पालक, मेथी, धनिया, मटर। हमने सिक्योर किया हुआ है, दिख रहा थे प्यार यार, सिक्योर किया हुआ है गाइस, ऐसे कोई नहीं आ सकता। इतने नुकीला है कि इसके पार भी हमारी है, उल्टी है गाइस, ये बहुत ही सिक्योर है, यहाँ से कोई सब्जी ले नहीं सकता, बहुत है ना तुम्हें ये थे क्या। एप्पल भी, एप्पल भी यहाँ से मिला। ओके दोस्तों, मेरे हस्बैंड का फेवरेट पार्ट इस जगह पे है ये,
रूड़ी ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक खाद तैयार हो रही है, इसे हम वहाँ पे लगा देंगे। सो यार सो फार दिस इज द न्यू कैमरामैन होल्ड करते रहना गाइस। कौन है ताई? हेलो बोलो तू। हां बस बस उन्होंने क्यों बीज देने बाजू। मम्मी ना आलू निकाल रही थी वट्टा से, आई डोंट नो क्या बोलते हैं, तो मम्मी को ये मिला बेबी स्नेक, और शायद वहाँ पे और भी हो सकते हैं। लास्ट टाइम आपको किसी व्लॉग में आपने देखा होगा कि आपको वो दिखाई थी स्नेक की स्किन बहुत लंबी सी। अम्मा कितना लंबा ही गाँव वाला, वो लंबा ही शायद वो इसकी माँ थी। वो अराउंड 35 डेज पहले मरी है, मुझे लग रहा मरने से पहले उसने यहाँ पे अंडे दिए, तो ये उसी का बच्चा है। हो सकता है वहाँ पे और भी बच्चे हों। ताई कहंदे गाइस खेती करना सप्पां दे सिरां दे पैर रख के समान लभना आ, है ना बहू? खेती करना सौखा काम नहीं है। ये आलू साडा ए बंदा मऊ मऊ करके खा लेगा, इहनूं पता नहीं आ कि मम्मी ने सप्पां दीआं सिरियां तों चक्के आलू। ओके सो हस्बैंड ने ना ये बारबेक्यू लिया है पता नहीं कितों, अमेजोन तो फेसबुक मार्केट प्लेस से, और आज एक बनाएंगे इस पर फिश एंड कोले मगान ली। कोले को हॉट करने के लिए उन्होंने सोचा अंगी चमटा नहीं होता चिमटा होता चमटा चमाटा होता चमाटा तो मम्मी ने चमटा मंगे डैडी तो ला लेने एक चमाटा। ओके सो हस्बैंड ना उत्थे कोले मंगा के इसमें लगा के मच्छी करना चाहते हैं, पर हमारे घर की बत्ती चली गई है दोस्तों। वैसे हमारा इन्वर्टर काम करता है, आज बेचारा वो भी नहीं करा, और मैरिनेशन नहीं किया अभी मैंने, नेरे च मैं गलत मैरिनेशन कर देनी। हस्बैंड ने एक दो मित्र को भी बुलाया है।